हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को खत्म कर लिया है। जैसा कि हमने चैप्टर को डिवाइड किया था, शुरुआत में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के को दो मुख्य भागों में, वो दो मुख्य भाग क्या थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत दो मुख्य टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल हम पढ़ने वाले हैं। और शुरू में ही पता है हमको शुरू से ही क्या कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल वो सेल हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस युक्ति द्वारा बदला जाता है, उस युक्ति को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो ये तो गैल्वेनिक सेल की हमारी डिफिनेशन थी, इसको हम पहले ही कर चुके थे। अब गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत जो टर्म्स आने वाले हैं, उनमें पहला टर्म है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव, ये मेडी डाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव, और हमारी आज की एक टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन युक्त विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ पर एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन से लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आक्सीकरण विभव, और दूसरा प्रकार है अपचयन विभव। दोनों का एक एक एग्जाम्पल फिगर की सहायता से हम बना दे रहे हैं। आक्सीकरण विभव में रॉड के ऊपर आक्सीकरण की घटना होगी, जो रॉड इसमें डुबाई जाएगी इसके ऊपर आक्सीकरण की घटना होगी। तो ये रॉड होगी हमारे जिंक की, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का। अब एक बात ध्यान दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं,
उनकी यह प्रवृत्ति है कि वो क्या करेंगे, अपने स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखे जाएंगे तो उनके एटम आयन के रूप में विलयन में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो धातुएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, उनकी ये प्रवृत्ति है कि अगर उनको स्वयं के आयन विलयन में रखा जाए तो आयन से विलयन से आयन उस राड पे एकत्र होना शुरू होंगे, ठीक है। तो जिंक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति क्या है कि जिंक के परमाणु अपनी सतह को, कौन से परमाणु, सतह वाले, अपनी सतह को छोड़कर आयन के रूप में विलयन में आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये क्या होगी, रॉड हमारी ऋणावेशित होगी, ये जिंक आयन के रूप में विलयन में आए, जिंक के परमाणु और अपने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, एक परमाणु विलयन में आया तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो इस रॉड पर क्या, कौन सी घटना हुई है, ऑक्सीकरण की घटना हुई है, क्यों, कि जिंक आयन, जिंक एटम जिंक आयन के रूप में विलयन में आया है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ठीक है, यानी जिंक से जिंक टू प्लस, तो ये घटना कौन सी है, ऑक्सीकरण। तो इस यहाँ पे रॉड के ऊपर जो विभव स्थापित होगा उसको हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और ऑक्सीकरण विभव में हम क्या देख रहे हैं कि रॉड हमारी निगेटिवली चार्ज हो जा रही है, यानी ऋणात्मक आवेश आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं आप चयन विभव का, तो एक दोबारा दूसरा कंटेनर लिया, अब की हम विलयन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, वो है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन, और जो रॉड होगी ये हमारी कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड को हमने डुबाया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इसकी प्रवृत्ति ये है कि इस रॉड पर कॉपर के आयन विलयन से निकलकर रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे, किसके रूप में, कॉपर मेटल के रूप में, यानी अपने इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर डिपॉजिट होंगे। तो जब रॉड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो यानी रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, कॉपर का आयन गया, कॉपर का आयन, और क्या हुआ, रॉड के ऊपर इससे दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर मेटल के रूप में इस पर डिपॉजिट हुआ, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिसको हम धनावेश बोलते हैं। तो ये हमारी रॉड क्या हुई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है, इस पे धनावेश उत्पन्न हुआ। घटना कौन सी हो रही है, अपचयन हो रही है, अपचयन की घटना हो रही है, उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की घटना होगी तब उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, ठीक है, ये इतना बात जान गए हम। अब आगे हमको देखना है कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से, यानी अगर ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिखाना है तो ई ऑक्सी, या फिर दूसरे विधि से क्या दिखाएंगे, ई मेटल से मेटल आयन, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड को कैसे दिखाएंगे, ई रिडक्शन या मेटल आयन से मेटल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड विभव को दिखाने का तरीका है। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव का मान किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान किन किन परिस्थितियों पे निर्भर करता है, तो यहां लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, और वो परिस्थितियां क्या है, पहला पॉइंट है इसमें धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति क्या है, यानी कि वह कितनी तेजी से धातु से धातु आयन में परिवर्तित हो रहा है,
उसको धातु की प्रकृति बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा विलयन का सांद्रण, सांद्रण विलयन के सांद्रण पर भी इलेक्ट्रॉन विभव की प्रवृत्ति निर्भर करेगी। सांद्रण ज्यादा होगा तो आयन्स ज्यादा होंगे, आयन्स ज्यादा होंगे तो संभावनाएं ज्यादा बनेंगी, ठीक है। और तीसरा हमारा पॉइंट है विलयन का ताप। तो इन तीन चीजों पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारी आज की टॉपिक ये इलेक्ट्रॉन विभव समाप्त होती है। दैट्स ऑल, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।